काम पे गए। उसे पता है मेरी इतना तबीयत खराब है। काकरोल फ्राई कर दी ऑनियन और ग्रीन चिली देकर। तो फ्रेंड ये रहा मेरा झींगा आलू पोस्तो और ये रहा मसूर का दाल और इसमें है ककरोल और कांदा देकर भाजी और इसमें है राइस। तो चलिए लंच कर लेती हूँ फ्रेंड। आज ठीक ठाक से मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है सुबह से। अगर आपने कल का ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता है मेरा आज भी मेरा तबीयत ठीक नहीं है। चलो मैं सर्व कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ क्योंकि एक हाथ में कैमरा होल्ड करके नहीं सर्व कर पा रही ना इसीलिए। गुड इवनिंग एवरीवन। तो फ्रेंड सुबह आपसे मिली थी जब लंच करती थी, उसके बाद मेरा बहुत तबीयत ख़राब है फ्रेंड। जस्ट मैं भी फ्रेश होकर आई हूँ, यानी कि जस्ट मुंह पर पानी लगा के आई हूँ ताकि आप सबसे बात कर पाऊँ, मेरा क्या हाल है अपडेट दे पाऊँ। मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब, बात नहीं किया जा सकती थी ऐसा है। मैं लंच करने के बाद उसके बाद मैं उठ ही नहीं पाई, सिर को उठा ही नहीं पाई। आप जाकर अभी शाम का बज रहे 6:30, इस टाइम पे उठकर थोड़ा सा जो हम लोग सोंदा बोलते हैं सोंदा आरती के लिए जस्ट लाइट जला दिया, पूरा घर अंधेरा हो गया। मेरा ताकत नहीं है जो लाइट ऑन करूँ, लेकिन पूरा घर अंधेरा था तो इसीलिए जैसे तैसे उठी। उठ के जस्ट मुंह पर पानी लगाया, बहुत तबीयत ख़राब लग रहा है मुझे। सुमित भी नहीं है घर में, सुमित काम पर गए। उसे पता है मेरी इतना तबीयत ख़राब है, तभी पैसा का बहुत ज़रूरत है इसीलिए उसे काम पे जाना पड़ा, नहीं तो उसे जाने नहीं देती मैं, बहुत ख़राब है। सिर्फ मैं बताने के लिए ये आई हूँ कि पता नहीं मैं अभी ब्लॉगिंग कर पाऊँगी या नहीं। जब तक मेरा तबीयत ठीक नहीं होता मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी। एक सेकंड के बैठती हूँ और चक्कर आ रहा है मुझे। जस्ट सुमित अभी कॉल किया था कि पूछ रहा था तबीयत कैसा है, मैंने बोला ऐसा ऐसा है, चक्कर आ रहा है, इतना जोर से चक्कर आ रहा है ना। उसने बोला ठीक है बाबू, मैं जब मैं घर जाऊंगी तब दवाई लेके जाएंगे। ठीक है दवाई लेके आ जाना, फिर मम्मी को भी कॉल करना। मम्मी को सुबह मैंने बताई थी, मेरा मम्मी को टेंशन कर रहे हैं शायद मैं सो पाऊँ, इसलिए किसी ने मुझे फ़ोन करके डिस्टर्ब नहीं किया। आप जाकर मुझे सुमित ने कॉल किया, अभी मैं मम्मी अपने मम्मी को कॉल करूँगी, उनको बता दूँगी कि मैं ठीक हूँ। मैं उनको हर चीज़ नहीं बताती हूँ क्योंकि बहुत टेंशन करते हैं ना, इसीलिए मैं बोलूँगी मैं सुबह से अभी बेटर हूँ और आपको ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है, मैं बेटर हूँ बस ये बता दूँगी। क्योंकि जब कॉल किया था ना तब मैं बात करने का हालत पे नहीं थी, तो मम्मी को पता चल गया कि मेरा तबीयत ख़राब है, तो अभी मैं कॉल करके बता दूँगी तो उनका थोड़ा सा टेंशन रिलीज़ हो जाएगा। तो चलो फ्रेंड आपको बस यही अपडेट देना चाह रही थी कि मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, जब तक मेरा तबीयत ठीक नहीं हो जाता मैं शूट नहीं कर पाऊँगी। ठीक है।
चलो फ्रेंड, बाय बाय। और आप अपने शरीर का बहुत ध्यान रखिए, ध्यान नहीं रखोगे ना अभी इस टाइम पे तो बहुत सीरियस हो जाता है केस, क्योंकि डॉक्टर नहीं मिलता है और कुछ भी चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाओ, पहले कोविड का चेकअप करना पड़ता है और जिनके पास पैसा नहीं है कोविड चेकअप करने में बहुत सारे पैसा खर्च हो जाते हैं, आने की जगह चला जब बहुत जाते हैं, तो इसीलिए खुद का ध्यान रखना चाहिए। मैं खुद का इतना ध्यान रखने के बावजूद भी मेरा ऐसा हाल है, और जो नहीं रख पाते हैं तो क्या बताऊँ। मैं उतना बाहर भी नहीं जाती हूँ, आप सबको दिखाती हूँ, जब भी मैं बाहर जाती हूँ मैं थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर कर लेती हूँ, सब कुछ ज़्यादा भीड़ भट्टे भी नहीं जाती हूँ। ये मेरा उस पहले कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरा चक्कर आ रहा है और बॉडी मेरा पेन हो रहा है, इतना दुख रहा है क्या बताऊँ। मैं बॉडी पेन तो सह लेती हूँ लेकिन चक्कर ना सहा नहीं जाता है, क्योंकि चक्कर में ना खड़ा नहीं हो पाती हूँ, बैठ नहीं पाती हूँ, ऐसा हो रहा है। आप सबसे बात कर रही हूँ तो मेरा चक्कर इतना ज़ोर से आ रहा है, मैं लगता है अभी गिर जाऊँगी, ऐसा लग रहा है। तो आई होप आप समझेंगे मेरे बात को। चलो बस यही बात बोलने के लिए मैंने आप सबके सामने आई, तो मिलती हूँ जब मैं ठीक हो जाऊँगी, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊँगी। बाय, लव यू, टेक केयर।